हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं लिटरेरी टर्म्स विद एग्जांपल फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर। तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे लिटरेरी टर्म्स के बारे में। काफ़ी सारे हैं, नियरली आप लोगों को मिलेंगे जो इसमें टर्म्स मिलेंगे वो 500 टर्म्स समथिंग वी विल डिस्कस। लगभग 500 टर्म्स इसमें मैंने क्या किया हुआ है कि इसमें सेलेक्ट किया हुआ है कि जो एग्जांपल होंगे वो आप लोगों को इंग्लिश लिटरेचर से ही मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर हम एड होमिनम का लें एग्जांपल, तो यहाँ से आप लोगों को मिल जाएंगे। एलिगरी जो एग्जांपल है वो एनिमल फार्म से। एम्बिगुटी जो है उसका एग्जांपल लिया हुआ है ओड टू अ ग्रेसियन अर्न बाय जॉन किट्स। इस तरह से एक एक करके हम इन्हें कम्प्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो हमारे पास में लिटरेरी टर्म है वो डिस्कस करने वाले हम अक्यूमुलेशन। इसका जो शॉर्टकट है सेम वर्ड्स टू डिस्क्राइब अ थिंग। अगर कहीं पे भी आप लोगों को मिलता है कोई एक पैराग्राफ स्टेंजा कोई भी पीस लिटरेचर का, सो एंड यू गेट द सेम वर्ड्स टू डिस्क्राइब अ थिंग, एक ही चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए आप लोगों को काफ़ी सारे वर्ड्स अगर मिलेंगे तो वहाँ पर जो होगा अक्यूमुलेशन होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल। हेनरी फिफ्थ बाय विलियम शेक्सपियर। Then shall our names familiar in his mouth as household words, Harry the King, Bedford, Exeter, Warwick and Talbot, Salisbury and Gloucester, be in their flowing cups freshly remembered. Here is the explanation. In this excerpt, you can see Shakespeare has gathered similar words to describe King Henry. किंग हेनरी को डिस्क्राइब करने के लिए हमें काफ़ी सारे वर्ड्स मिले हैं जो कि है बेडफोर्ड, एक्सेटर, वाविक, टैलबर्ट, सेल्सबरी एंड गिलचेस्टर। इसलिए जो ये हमारा पैराग्राफ होगा वो आपका वहाँ पर अक्यूमुलेशन होगा। तो होपफुली कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा अक्यूमुलेशन क्या होता है। कल हम नेक्स्ट वीडियो में एड होमिनम के बारे में जानेंगे। Okay, see you in next video. Bye-bye. Take care. Good luck for you.